यूट्यूब से पहला प्रमोशन, 1.5 लाख का प्रमोशन करा। और जहाँ हम जाने वाले ना भाई, बहुत अच्छी लोकेशन है, देख के मजा आएगा, तो देखना पूरा ब्लॉग। बादल बिल्कुल टच कर रहे हैं पहाड़ों का। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे भाई सारे हो, आप सब बढ़िया होंगे। ये देख लो भाई, अभी अपने रूम की कुछ हालत इस तरफ। अभी सुबह उठे हैं, मतलब नहा धो के वो सेट नहीं हुआ कोई भी, हाथ मुँह धोला के कपड़े वपड़े चेंज वेंज करे बस। ठीक भाई, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, 6 डिग्री टेम्परेचर है। और अभी इस टाइम पर टाइम कितना हो रहा है भाई, संजय टाइम बताइए यार कितना हो रहा है वहाँ पर, देख टैप कर रहे हाथ से। तो भाई टाइम हो चुका है 11:12, और हम सारे जैसे रेडी हो रखे हैं, तो मतलब कहीं जा ही रहेंगे। देखो भाई शूज़ वगैरह पहन के सबने, लोवर वगैरह, ये सारा गेटअप देख लो भाई। से गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग गाइस आवर पब्लिक। बढ़िया, ठीक हो भाई? बाल बूल सेट कर ले भी। अरे वो बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो भाई संजय तो पूरा रेडी हो चुका है, जूते देख रहे भाई, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी और 1 जोड़ी है, 4 जोड़ी जूते। और बंदे हम सिर्फ 3 है, पता है क्यों? संजय भाई अमीर आदमी है, 2 जोड़ी जूते लेके आ रखा है। ये हमारी चप्पल है, हम दोनों की, मेरी अभी भी। तो अपना ब्रेकफास्ट भी आ गया, ब्रेकफास्ट में देख रहे भाई क्या क्या है अपना भाई, गोभी के पराठे, अचार है, चाय। मेरी चाय कहाँ है भाई, 2 ही कप है तो। वाह जी वाह, ये देखो भाई, एक बंदा वहाँ खा लेगा। हाँ सही है यार, एक बंदा इधर खा लेगा। ये भाई रात को निकाले थे खाने के लिए, मज़ा नहीं आया, ऐसे ही पड़े हुए। और ये दही है, और कुछ इस तरह से अपना कमरा भाई, देखो 4-4 कंबल। रात को भाई मैंने 2 कंबल एक्स्ट्रा निकाले वहाँ पे, मैं उधर सोया था, बीच में रवि सोया था, इधर संजय सोया था। और संजय ऐसा सोया कि भाई रवि को इसने सोने नहीं दिया ढंग से, बताइए भाई। अरे भाई धक्का मुक्की, और सारा कंबल खींचने, ऐसे क्यों सोते हो भाई संजय भाई, क्या दिक्कत है? अपना तो यूं ही है भाई, बदतमीजी होती है, ऐसा मत किया कर भाई। वही तो, और फिर भाई मतलब मेरे को पता था कि इनका हर बार की तरह ऐसे सीन होगा, संजय कंबल खींचेगा, इसीलिए भाई मैंने वहाँ से अपने 2 कंबल निकाले, वहाँ से भाई अपने 2 कंबल निकाले, और नहीं 4 कंबल निकाले सॉरी, 1 कंबल भाई मैंने ऐसे नीचे बिछाया, तुम खाओ जब तक भाई। अच्छी हो, 1 कंबल भाई मैंने ऐसे नीचे बिछाया सबसे नीचे, इसके ऊपर फिर भाई मैं सोया 2 कंबल लेके, एक ये वाला 2 कंबल लेके सोया मैं। रात को ठंड इतनी ज़्यादा थी तो भाई वही है, और बाकी संजय रवि 2 कंबल लेके तो ये सोए थे, और 1 कंबल फिर एक्स्ट्रा ये निकाला मैंने वहाँ से। 1 कंबल में सोया हूँ, ये 1 ही कंबल में सोया, क्योंकि 2 कंबल जो थे उसमें से 1 कंबल संजय ने खींच लिया पूरा अपनी तरफ, और पूरा मुंह पे ऐसा लपेट रखा इसने कंबल। भाई ठंड लगती है इसलिए मैं ठंड से बचने के लिए। तो भाई बस अभी निकल रहे किसी लोकेशन पर जा रहे हो, लोकेशन बता देंगे भी निकल के फटाफट से। पहले भाई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, तो 6 डिग्री है फिलहाल, चलो अभी तो ठीक है। और टाइम भाई 11:12 हो गए, मतलब 11:30 बजे तक निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और जहाँ हम जाने वाले ना भाई, बहुत अच्छी लोकेशन है, देख के मजा आएगा, तो देखना पूरा ब्लॉग। हर बार की तरह भाई रवि और संजय दोनों ने इतना खाना बचा दिया, ऐसी ढंग से खाते हैं नहीं। और मौसम देख लो भाई क्या बढ़िया धूप निकल रखी है, और सामने भाई माउंटेन क्या लग रहा है, इनमें कल स्नोफॉल हुई है रात को, क्या फ्रेश स्नोफॉल हुई है भाई, वाह जी नहीं भरता है पहाड़ों को देख के मेरा ऐसे। ये भाई जा रहा है, चलो भाई नीचे चलते हैं भाई। ये अपना एप्पल कॉटेज, अपना नहीं मतलब दोस्त का ही है, तो वही है जैसे कि मैंने बताया था ना भाई। तो भाई ने मैं इनवाइट किया था, क्या था कि आ जाना हमारे कॉटेज में, नया नया खुला था, तो हमने कहा ठीक है भाई आते हैं, हम यूट्यूब पर प्रमोशन भी कर देंगे आपका, है यूट्यूब से पहला प्रमोशन, 1.5 लाख का प्रमोशन करा हमने यूट्यूब में पहला। जस्ट किडिंग भाई, मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने यार दोस्त का ही है। और तो हमने कहा एक बार जाके विजिट कर लेते हैं भाई, कैसा है कैसा नहीं है, बढ़िया। रवि तो एक बार पहले भी आया हुआ है, बट मैं और संजय पहली बार यार रखें। तो भाई संजय तो चले फिर नीचे, चले फिर चलते फिर भाई नीचे चलते, लाइट वगैरह बंद कर देते भाई एक बार। एक बैग लेके जा रहे हैं भाई हम, बैग में हमने भाई स्नैक्स वगैरह रखे हुए अपने, क्योंकि अब हम वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, वहाँ से हम शाम को ही आ पाएंगे। और ये भाई तंदूर वाला रूम, और अभी तो ये रहा भाई बाहर, ये तंदूर वाला रूम है भाई, सामने रिसेप्शन है, ये तंदूर लग रहा है। और यहाँ अपना बैठ के भाई खाना वाना खाओ, यहाँ पे गाने सुनो, इन्जॉय करो, कॉमन रूम, मतलब यहाँ पे सारे गेस्ट आके इकट्ठे बैठ सकते हैं, बात बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बढ़िया है। बाकी स्कीम वो स्केटिंग करने के लिए स्कीम बोर्ड जो भी है, बोर्ड पे लगते हैं। ऐसा भाई अपना एप्पल कॉटेज भाई बाहर से दिखा दूँ क्या? ये देखो भाई तुम यहाँ से, ये रहा, ये लो भाई 0.5x में देखो, ये रहा सामने एप्पल कॉटेज होम स्टैंड कैफे, रूम विद हॉट शावर एंड बालकनी, फूड सर्विस, मोबाइल नंबर ये रहा, ये रहा भाई ये सारे एप्पल के ट्री है, आने वाला सीजन एक दो है, एप्पल नहीं है, एप्पल आएंगे कुछ टाइम में आएंगे, सीजन आने वाला ना एप्पल का। तो ये देखो भाई संजय जा रहा है वॉशरूम में, अभी भाई इतना खाता नहीं है, खाते ही वॉशरूम में हो गया होता, पानी की बोतल बैग में डाल ले साइड में, भाई संजय का वेट कर रहे हैं हम नीचे, तो आ गए संजय ऊपर गया वॉशरूम में, वॉशरूम से आएंगे नीचे, फिर चलेंगे आगे ऊपर।
भाई देख रहे हो ये, यहाँ पे सारे होम स्टे कॉटेजेस और ये सारे के सारे एप्पल ट्री, बहुत सारे एप्पल ट्री भाई यहाँ पे। तो भाई अभी हम इस टाइम पे भाई यहाँ पर है कालगा विलेज, यू आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2280 मीटर यानी 7480 फीट के ऊंचाई पर है अभी हम इस टाइम पे। और बाकी कुछ यहाँ पे थॉट्स वगैरह लिखे हुए, बुद्धा के थॉट्स है, ये सारी चीज़ें मतलब। और ये पूरा इनका गार्डन है सामने, मतलब एप्पल गार्डन एक तरह से, ये रास्ता बना रखा है पूरा यहाँ पे, एप्पल ही एप्पल है यहाँ पे भाई। तो अभी बारिश वगैरह हुई थी ना कुछ दिन पहले, इसीलिए रास्ता देखना कैसे हो रहा है, ये कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है रास्ते में बारिश अकॉर्डिंग। ये रहा संजय, ये सारे यहाँ पे भाई कैफे कुछ बन रखे हैं और कुछ बन रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। जाना किधर से, हमें इधर से जाना संजय, सीधा जाना है यहाँ से यार, वो अलग रास्ता है। किधर से जाए, अरे चलना कहीं से भी चल, रास्ता तो ऊपर जाके एक ही जगह निकलेगा ना सारा, वो ऊपर होम स्टे के लिए था वाला रास्ता, ये वाला रास्ता सीधा है। देख रहे कितने सारे होम स्टे, एक होम स्टे है सामने, होम स्टे पे होम स्टे है यहाँ पे सारे। व्यू देखो भाई साहब, कहाँ पे वो देखना, वो रहा सामने, अरे वो भाई विलेज है वहाँ पे, जो हम जिनके गेस्ट हाउस में रुके ना उन भाई का विलेज वहीं पर है सामने, और यहाँ पे उन्होंने होम स्टे बना रखा है। सीधा सीधा जाना वाला पेड़ है ना तुम्हारे वहाँ जो, नहीं ये वो नहीं है, ये अलग है, इसमें कांटे नहीं है, ये कंडाली थोड़ी है, ये कंडली जिन भाई को नहीं पता उत्तराखंड में होती है कंडली, गढ़वाल के लोग कंडली बोलते हैं और कुमाऊं के लोग शिशोण बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं भाई बिच्छू ग्रास। तो यहाँ से ऊपर जाना अपने को वहाँ पे, उधर कहीं पे जाना, वहाँ पर एक कोई लेक है, वहाँ पे क्या है, है? लेक है या झील टाइप की है, मतलब ऐसे झील लेक टाइप की कुछ बन रखी है वहाँ पे, तो वहीं जा रहे हो ऊपर ऐसे घूमने के लिए। और बैग में अपना कुछ स्नैक्स वगैरह रखा हुआ है, जूसेस वगैरह संजय के पास है ये जो लेके आ रखा है अभी भैया, बस ऊपर निकलते हैं वहाँ पे जाके दिखाते हैं भाई क्या मौसम है भाई, वाह मतलब फील नहीं हो रही ना, धूप भी फील नहीं हो रही, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ठंडी, मज़ा आ रहा भाई। गाड़ी देख कितनी नीचे है गाड़ी नहीं दिख रही भाई, 3X वो देख भाई वहाँ से तो कल यहाँ रियल में हम यहाँ है, देख वो वाला माउंटेन देख, वो देख भाई सब क्या लग रहा है, और यहाँ पे भी बहुत बर्फ है, इधर थोड़ी कम है वहाँ पे ज़्यादा है। जल्दी आ जा भाई, इतना स्लो क्यों, हेलीकॉप्टर थोड़ी ले रहा हूँ फिर भाई, पहुँचना भी तो है। गाना किधर है, सीधा ये लास्ट वो है, लास्ट क्या सर, हाँ होली का वो जो नहीं है वो, खतरनाक नहीं है ये भाई, पेड़ की जड़ देखना भाई कैसे निकल रखी है, कभी भी गिर भी सकता है पेड़, खत्म है पत्थर पे ही रुका हुआ है, रोली इस पेड़ की पत्थर पे ही है सिर्फ, ये वही तो देख क्या लग रहा भाई, 5X में दिखाता हूँ, इधर देख इधर दो पेड़ जुड़े हुए, दोनों पेड़ जुड़ रखे हैं आपस में, दोनों के जड़ जड़े रहे हैं, दोनों के रूट्स ऐसे मजबूत जुड़ रखे हैं। आ जाओ भाई ऊपर तो देखिए तगड़े तगड़े नजारे, ये देख रहे हो भाई अपना सामान नहीं उठा जाता ना जिस बंदे से, ऑलरेडी ये ऐसा ये दे दिया, एक मैंने जैकेट भी टांगी हुई है, उस बंदे ने बैग टांग रखा है, अभी मैंने क्या क्या टांगा था, और इसने कुछ नहीं टांगा हुआ, 4 मिनट के लिए टांग दे, बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने, जैकेट ठीक है ठंडने लगी, यहाँ पे ऊपर आ गए पीछे देखो कितने सारे कॉटेजेस, इसमें मैं अपना कॉटेज दिखाऊं जहाँ पे हमने स्टे किया था, अभी दिखाता हूँ, ये रही भाई पहाड़ी गाय, जा संजय दूध निकाला दूध पी ले, ये भाई अपना घास चल रही है यहाँ पे बढ़िया, और हमने जहाँ पे स्टे किया था हमारा कॉटेज देखो भाई, नहीं वो देख वो बड़े वाला है ना दिख रहा है, बड़े वाला ग्रीन वाला लेफ्ट वाला, उसके लेफ्ट वाला मतलब ये पेड़ के पीछे है, सामने पेड़ के पीछे दिख नहीं रहा, और हम इधर बैठे हुए हैं, क्या व्यू है, क्या व्यू है, सॉरी अब देखना भाई संजय से बंदे ने जितने सारे ये बोझ मेरे ऊपर डाल दिए, एक ये जैकेट है अपना, जैकेट है अपना, बॉडी वेट भी लेके मैं ऐसे ऊपर चढ़ाई पे जा रहा हूँ, फोटोशूट चल रहा भाई, ये लो 1X पे देखो तुम फोटोशूट, ये क्या है यहाँ पे लकड़ी का, ये जो ये बना रखा है, ये किसी की जमीन होगी, ये वो होगी अंदर जाने के लिए, हाँ जंगल है पूरा ये, यहाँ से मतलब इतना ये जो यहाँ पे ये लगा रखा है बैरिकेड, हाँ ये जैसे यूं बाड़ बना रखी है एक, कि इस बाड़ से इधर इधर को यहाँ पे नहीं जा सकते शायद, जंगल है मतलब ये फॉरेस्ट एरिया आ चुका भाई पूरा, और वहाँ पे भी सेम वही कर रखा है,
मतलब इस एरिया में जा सकता हूँ ऊपर सीधा सीधा बस, ऐसे कुछ रास्ता। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, वे क्या लिखा हुआ है पढ़ूँ क्या? ये लिखा हुआ है वे टू पाइनास कालगा। इसके ऊपर भी है वे, इसके ऊपर भी एक कॉटेज है भाई। देखो भाई कहाँ कहाँ तक कॉटेज बना रखे भाई बंदों ने, मतलब टूरिज्म दबा के है यहाँ पे, बहुत पैसा छाप रहे टूरिज्म के चक्कर में यहाँ पे लोग। वहीं जाना है। अरे वो जैकेट ये पकड़, अपनी जैकेट, दुखी कर दिया जैकेट ने मेरे को। अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा मुझे कहीं पे, ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा, वहाँ होगा फिर और ऊपर टॉप पे। वो तो है बोरा भाई, तोश का रात को भी दिखा रहा था मैं, बोरा सामने तोश का, कोई तोश बोलता कोई तोस बोलता है। खीर गंगा का ट्रैक वहीं पर है ऊपर, खीर गंगा के यहाँ से है ना, यहाँ से पीछे उधर जाने, उधर से जाना पड़ता है गांव में। अच्छा मतलब वहाँ उधर गांव से जाना पड़ता है खीर गंगा के, इसके पीछे जाना पड़ता है। अच्छा यही है भाई, कुछ भी कहो भाई, पहाड़ों में आके ना भाई बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे, बहुत सुकून है, बहुत मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई व्यू देखोगे भाई, शानदार सा नज़ारा। एक तो जीरो पॉइंट पर आ गया यहाँ से भाई, नीचे उस तरफ से नीचे, और एकदम यहाँ पे एकदम ऊँचाई है खड़ी चढ़ाई। और ये देखो भाई मैं कहाँ खड़ा हो रखा हूँ, ये पूरी खाई है नीचे। और वो देखो भाई वाटरफॉल आ रहा ऊपर से बहता हुआ, ऊपर से वाटरफॉल आ रहा, नीचे रिवर बन रही है। ये देखो भाई ये रहा भाई ऊपर वाटरफॉल बहते हुआ आ रहा भाई साहब, क्या प्रेशर है पानी का, और बरसात के टाइम पर तो और ख़तरनाक आता होगा ये। ये देखो अभी नीचे चला जाएगा ना, सारी थकान उतर जाएगी एक मिनट में। हाँ भाई संजय, ये क्या क्या कर रही है? अरे फोन रख रहा हूँ अंदर। भैया बैठा कैसे? अरे तो क्या हो गया, थक गया हूँ। ठंडक ले, गिर गया तो ठंडक ले भाई, रजनीगंधा दे रहा हूँ। उसने क्या कहा है? विमल खाया उसने, ये तो पोलो खा ले, मौत फ्रेशनर अपना ठंडक ले गले। इस पर लिखा गया ये अच्छी है। हाँ भाई ज्यादा थक गया क्या तू? यहाँ पता नहीं क्या फिल्टर चेंज हो गया। तो भाई ये देखो सामने ऊपर एक कैफ़े, कैफ़े या कॉटेज टाइप का ही है, जो दिख नहीं रहा भाई, वो दिख रहा भाई बोरा सामने, पेड़ों में से नहीं दिख रहा भाई, उसके ऊपर जाना है हमने। अभी यहीं पे पहुँचे हम रास्ते में, अभी थोड़ा ऊपर और जाना भाई, मतलब 4 किलोमीटर और ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें, और ऊपर खड़ी चढ़ाई है, और वहाँ से तो यहाँ तक आ गए ये दोनों, यहाँ पर बैठे हो। चलो आ जा, हाँ चला आ रहा हूँ मैं, उठ जल्दी फटाफट चल, लेट मत करवा, आजा चल। और भाई यहाँ पे ये देखो लोगों ने ऐसे डस्टबिन बना रखा है कि अपना जो भी भाई कूड़ा वूडा है वो यहाँ पे डालो ऐसे। हाँ और अपने बैग में भी जो भी कूड़ा भाई हम वो कहीं पे ऐसे फेंक नहीं रहे, इधर की यहीं पे आसपास में कूड़ा फेंक दिया, यहाँ पे भी नहीं डाल रहे। चलो भाई हम तो बैग में रखा हुआ कूड़ा अपने बैग में ही डालेंगे, और जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहाँ फेंकेंगे, मतलब बाहर दिल्ली का कूड़ा दिल्ली जाएगा सीधा। कितना जाना और ऊपर? कैफे तो आ गया भाई, वो रहा कैफे कितनी ऊपर है, ये वाला पेड़ देखो कैसा हो रहा है, ऐसे बिजली गिरी होगी। हाँ ऊपर से पूरा खत्म सा हो गया पूरा पेड़। आजा संजय, उसके फिल्टर फट गए, मुंह देखो उसका। हाँ भाई इतनी लंबी टांगे लेके भी नहीं चल पा रहा। अब यहाँ से ऊपर जाना है हमें लेक के लिए, वहाँ पानी लेने गए हुए, मिल गया फुल वर्ड ली ना पूरे फुल। अरे व्यू देख रहे वही देख, भाग ले जा, रुकेगा नहीं बेटा, उठता नहीं गंदे तरीके से, स्लिप हो रहा है पूरा वो वहां पे देख। हां भाई क्या हो गया, फिल्टर फट गए? मैं तो ओके रिपोर्ट पूरा वो दे, बेटा कुत्ता आ गया, सुन तो ऊपर। हां भाई हीरो क्या करना है ऊपर, आ जा ऊपर आएगा ओए। अरे वो बेवकूफ वॉक पे निकला ही, अरे वो बहरे सुनाई नहीं देता भाई से, एटीट्यूड है बेटा इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो भाई अभी हम ऊपर तो आ गए, वहाँ से चल के यहाँ पर आ गए, ऊपर यहाँ बैठे हुए वो बैठा हुआ है, और यहाँ पे मतलब हमें लगा भाई यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, ये और मिल गया यहाँ पे पत्थर पे, ये लिखा हुआ भाई बुन बुनी पास, यहाँ पे बुन बुनी पास के लिए एरो दे रखा है इधर लेफ्ट साइड में, वहाँ आगे के लिए, बाकी इधर तो कुछ भी नहीं आ रहा। हमें लगा यहाँ पे लेक दिख जाएगी हमें, कुछ नहीं हुआ, सामने लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं भाई अपना।
कैच कैच खेल रहे हैं। चलो वो खा रहा हूँ मैं, पोलो खा रहा हूँ, पोलो यू मैं सोच रहा मैं गुटका चबा रहा हूँ, पोलो खा रहा हूँ। चले फिर चला जाओ उठिया। तो भाई आ तो चुके हैं यहाँ पे, और लेक दिखाऊं भाई तुम्हें? भाई लेक देखो, ये रही भाई लेक। ये लेक है क्या? यहाँ पे भाई वैसे लेक का पानी वहाँ पे पूरा आता होगा, बट यहाँ पे ना इस टाइम पे सूख रखा है, देख रहे हो? वो तो मुझे पता, वहाँ ऊपर वहाँ पर उधर से आ रहा पानी। हाँ देखो भाई ये ना पूरा ना से गीला गीला सा हो रखा है यहाँ पे, यहाँ पे ना ये देखो ये पानी आ रहा है ना ऊपर से बहते हुआ आ रहा है भाई ये पानी। अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये जो नाली ऐसी बना रखी है ना यहाँ पे, इधर से देखो ये आ रहा पानी, ये रहा ये ऊपर वहाँ उस पहाड़ से आ रहा पानी, वहाँ पे लेक पाएगी वहाँ पे उधर, और यहाँ से भी पानी आ रहा है इधर से ऊपर वाले से जो वो बना रखा है भाई। ये बस अब थोड़ी देर और है, उसके बाद पहुँच जाएंगे भाई ऊपर लेक पे। ये देख लो भाई कितना बड़ा ग्राउंड है, देख लो वहाँ जाना अपने को सामने वहाँ ऊपर। चल भाई चले फिर, चलो भाई वहाँ चलते हो ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा यार जानवर वगैरह का भी खतरा है, क्योंकि अब देखो बिल्कुल हम पहाड़ पे आ चुके हैं, ये पूरा जंगल है। जो नीचे में कैफे कॉटेज वगैरह दिख रहे थे ना, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, पूरा जंगल है अब ऊपर। ये देखो ये पानी आ तो रहा है ऊपर से पहाड़ों से, ऊपर ही कहीं पर लेक पाएगी भाई हमें वहाँ पर सामने। और लेक का नाम भाई गई लेक, गई लेक जो कि अपना एक हिडन प्लेस भी कह सकते हैं इसको। वैसे बहुत कम लोगों को पता है, जो यहाँ के लोकल है उनको तो पता है, और कुछ जो बाहर के टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, बाकी मोस्टली लोगों को इतना नहीं पता यहाँ पे। तो वहीं हम जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको कैसे व्यू आता है वहाँ पे, टेंट भी लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी करते हैं बंदे, देखना यहाँ पे जैसे बॉनफायर कर रखा है, यहाँ पे लकड़ियाँ जला रखी है सामने। अरे ये क्या चीज़ है भाई, पालक वालक है क्या? पालक शायद, हाँ शलगम वगैरह पता नहीं क्या है। सांस भी फूल रही है भाई अब, क्योंकि बहुत हाइट पे आ चुके हम। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कितनी हाइट है, बट काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, क्योंकि अब देख लो तुम यहाँ मैं वहाँ से सामने वो स्नो वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। हमारे सामने का व्यू पता कितना ज़बरदस्त लग रहा है अभी इस टाइम पे है भाई, अभी सामने का व्यू इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना भाई, भी दिखाता हूँ मैं। कितनी बर्फ है भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, मतलब ये देखो भाई, ये देखो भाई 3x पे दिखाऊं क्या? ये देखो भाई अब लग रहा है ना एकदम क्लियर, वो देखो भाई सामने ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं क्या ही है भाई, देखना बादल बिल्कुल टच कर रहे हैं पहाड़ों को भाई। वर्थ इट है भाई, वर्थ इट लग रहा भाई यहाँ पर आना, वर्थ इट है ना भाई, पूरा पैसे वसूल हो चुके हैं वहाँ के लिए। एक बार ये वहाँ चलता है और ऊपर वहीं पे जाके रुकते, चलो ओ गड्डियां उच्चियां रखियां ओ नारा बो जट दे।